आज हम पढ़ते हैं फैमिली लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी या फैमिली जो फेबेसी है उसकी सब फैमिली पेपिलियोनेटी। सब फैमिली पेपिलियोनेटी, इसके अंदर हम जो प्लांट ले रहे हैं, आज का हमारा जो प्लांट ले रहे हैं उसका नाम क्या है, पाइसम सेटाइवम। मटर का पौधा ले रहे हैं, तो मटर का जो प्लांट होता है वो कैसा होता है, हर्ब होता है, छोटा सा प्लांट होता है। उसकी हैबिट कैसी होती है, हर्ब होता है। और प्लांट का जो लाइफ साइकिल होता है एनुअल होता है, एक साल के अंदर ही अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है। तो प्लांट कैसा हो जाता है, एनुअल। हर्ब होता है, एनुअल होता है और क्लाइंबर होता है। क्लाइंबर का मतलब इसका जो स्टेम होता है वो काफी वीक होता है, तो प्लांट दूसरे की हेल्प लेकर ग्रोथ करता है, दूसरे का सहारा लेकर वृद्धि करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर बोलते हैं। हैबिट के अंदर हमने लिखा एनुअल होता है प्लांट, हर्ब होता है और कैसा होता है, क्लाइंबर होता है। दूसरा रूट, तो इसमें टेप रूट पाई जाती है, मूसला मूल इसके अंदर पाई जाती है। और रूट जो रहती है, रूट के अंदर रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं। रूट के अंदर क्या पाई जाती है, रूट नोड्यूल प्रेजेंट होते हैं। फिर इसका स्टेम, स्टेम इसका एरियल होता है, वाइवीय होता है, एरियल होता है, वीक होता है। स्टेम इसका कैसा होता है, कमजोर होता है, इसीलिए प्लांट कैसा होता है, क्लाइंबर, दूसरे का सहारा लेकर ये वृद्धि करता है। ब्रांच होता है, बहुत सारी शाखाएं पाई जाती है स्टेम के ऊपर। और ग्लेब्रस होता है, ग्लेब्रस का मतलब क्या होता है, प्लेन एंड चिकना, प्लेन होता है, स्मूथ चिकना होता है, ठीक है, प्लेन होता है, स्मूथ चिकना होता है। उसके बाद में इसकी लीफ, तो लीफ का डंठल इसके अंदर पाया जाता है, डंठल को हम क्या बोलते हैं, पेटियोल। जो लीफ होती है, लीफ का इसमें डंठल प्रेजेंट होता है, डंठल को हम पेटियोल बोलते हैं। तो लीफ कैसे हो जाती है, पेटियोलेट। लीफ के डंठल के पास में इसमें क्या पाई जाती है, स्टिप्यूल, अनुप्रण पाई जाती है। लेकिन इसमें जो स्टिप्यूल होती है, इसमें जो स्टिप्यूल होती है वो फोलिशियस टाइप की होती है, काफी बड़ी स्टिप्यूल इसके अंदर पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोलिशियस स्टिप्यूल बोलते हैं। लीफ के साथ में स्टिप्यूल प्रेजेंट होती है, तो लीफ कैसी हो जाती है, स्टिप्यूलेट, स्टिप्यूलेट होती है। स्टिप्यूल कैसा होता है, फोलिशियस टाइप का। पेटियोल यानी लीफ का डंठल पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेटियोल। तो लीफ कैसी हो जाएगी, पेटियोलेट। अल्टरनेट लीफ पाई जाती है, एकांतरित लीफ होती है, इस तरह से इसकी लीफ लगी हुई रहती है एक साइड में, इस तरह से अल्टरनेट, एकांतरित क्रम में एक छोड़कर एक लीफ इसमें लगी हुई रहती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट लीफ बोलते हैं, एकांतरित। यूनिपिनेट इम्पेरिपिनेट होती है, यूनिपिनेट होने का मतलब क्या होता है, लीफ जो रहती है वो दोनों साइड में, इस तरह से दोनों साइड में इसकी लीफ लगी हुई पाई जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिपिनेट बोलते हैं। इम्पेरिपिनेट होने का मतलब क्या होता है, कि यूनिपिनेट में क्या होता है, लीफ जो रहती है दोनों साइड में पाई जाती है, समान संख्या में होती है, समान संख्या में दोनों साइड में लीफ पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनिपिनेट बोलते हैं। इम्पेरिपिनेट होने का मतलब क्या होता है, कि ऊपर के साइड में जो लीफ लगती है वो सिर्फ सिंगल लीफ लगती है, एक सिंगल लीफ लगती है, विषम संख्या में, विषम संख्या में ऊपर की तरफ में एक लीफ लगती है, इसका मतलब क्या होता है, इम्पेरिपिनेट। और टेंड्रिल पाए जाते हैं, स्टेम का जो आगे का जो भाग होता है वो टेंड्रिल के अंदर रूपांतरित हो जाता है, प्रतान बनाता है, इस तरह से कोल्ड फॉर्म में एक पतली सी स्ट्रक्चर निकलती है, और वो कैसी हो जाती है, इस तरह से कोल्ड हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, टेंड्रिल बोलते हैं, प्रतान बोलते हैं, टेंड्रिल या प्रतान इसके अंदर बनता है। उसके बाद में इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम इसके अंदर कैसा पाया जाता है, रेसिमोस टाइप का। रेसिमोस पुष्पक्रम क्या होता है, जैसे मान लो ये मेन स्टेम है, ये मेन स्टेम, और यहाँ पे जब इसमें फ्लोर लग जाता है, मेन स्टेम के ऊपर के भाग में जब फ्लोर लग जाता है, तो ये मेन स्टेम जो रहता है, मेन एक्सिस जो रहता है, वो ग्रोथ करना बंद कर देता है, वो साइड वाली जो ब्रांचेज होती है, वहां पे फ्लोर लगना शुरू हो जाता है, साइड वाली ब्रांचेज पे फ्लोर लगना शुरू हो जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, रेसिमोस बोलते हैं, रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। अगला आता है फ्लोर, तो फ्लोर के साथ में इसका डंठल होता है, फ्लोर के साथ में डंठल पाया जाता है, और फ्लोर के डंठल को हम क्या बोलते हैं, पेडिसिल बोलते हैं। तो फ्लोर कैसा हो जाएगा, पेडिसिलेट। डंठल के पास में छोटी छोटी लीफ पाई जाती है, जिसे हम ब्रैक्ट बोलते हैं। तो फ्लोर कैसा हो जाएगा, ब्रैक्टिलेट। फ्लोर कंप्लीट होता है, कंप्लीट फ्लोर होने का मतलब क्या होता है, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलेक्स और कोरोला चारों इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो फ्लोर कैसा हो जाता है, कंप्लीट। बाइसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल होने का मतलब क्या होता है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों पाए जाते हैं, तो फ्लोर कैसा हो जाएगा, बाइसेक्सुअल। जाइगोमोर्फिक होता है, जाइगोमोर्फिक होने का मतलब क्या होता है, फ्लोर को जब बीच में से काटेंगे तो दो अलग अलग भाग प्राप्त होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोमोर्फिक। एक यहाँ पे टर्म हम कभी कभी यूज करते हैं, एक्टिनोमोर्फिक। एक्टिनोमोर्फिक का मतलब क्या होता है, जब फ्लोर को बीच में से काटेंगे
तो फ्लोर के दो समान भाग प्राप्त होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। यहाँ पे पाइसम सेटाइवम का जो प्लांट होता है वो जाइगोमॉर्फिक होता है। फ्लोर को बीच में से काटेंगे तो दो अलग अलग भाग प्राप्त होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। फ्लोर हाइपोगाइनस होता है। हाइपोगाइनस होने का मतलब क्या होता है, थैलेमस के ऊपर ओवरी पाई जाती है। जैसे मान लो ये थैलेमस और थैलेमस के ऊपर के भाग में ओवरी प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनस बोलते हैं। ओवरी इसके अंदर कैसी हो जाती है, सुपीरियर। ओवरी कैसी हो जाएगी, सुपीरियर। इसके बाद में हम इसमें देखते हैं कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बारे में। अब हम देखते हैं इसके अंदर कैलेक्स किस प्रकार का होता है। तो कैलेक्स इसके अंदर पांच पाए जाते हैं, पांच कैलेक्स होते हैं, यानी कि पांच इसके अंदर सेपल पाई जाती है। और गेमोसिपेलस होते हैं। गेमोसिपेलस होने का मतलब क्या होता है, पांचों जो सेपल होती है वो आपस में जुड़ी भी रहती है, पांचों सेपल आपस में जुड़ी भी रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, गेमोसिपेलस। और इनका एस्टिमेशन कैसे होता है, वेलवेट, इस तरह से वेलवेट एस्टिमेशन मिलेगा इस तरह से। इनका जो किनारे वाला जो भाग रहता है वो थोड़ा थोड़ा जुड़ा हुआ रहता है, एक दूसरे को स्पर्श करता है, किनारे वाला भाग थोड़ा थोड़ा स्पर्श करेगा, इसे हम क्या बोलते हैं, वेलवेट एस्टिमेशन बोलते हैं, ठीक है। कोरोला कितने होते हैं, पांच इसके अंदर कोरोला पाए जाते हैं, पांच कोरोला। और इनका एस्टिवेशन कैसा होता है, वेक्सिलरी या वेक्सिलम टाइप का इनका एस्टिवेशन होता है। वेक्सिलरी में क्या होता है, जैसे पांच इसके अंदर पेटल पाए जाते हैं, एक जो पेटल रहता है वो काफी बड़ा होता है, एक पेटल इसके अंदर बड़ा रहता है, बाकी के जो दो पेटल होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। जो बड़ा वाला पेटल होता है उससे हम वेक्सिलम बोलते हैं, बड़े पेटल को क्या बोलेंगे, वेक्सिलम। और जो बाकी के छोटे पेटल होते हैं उन्हें हम विंग और अलेई बोलते हैं, विंग और अलेई बोलते हैं। बाकी के जो दो पेटल होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और एक बड़े पेटल का निर्माण करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, कील बोलते हैं। तो इसके अंदर जो कोरोला आता है वो तीन भागों में डिवाइड रहता है, वेक्सिलम, विंग, अलेई और कील, तीन भागों के अंदर इसमें ये डिवाइड होता है। इसके बाद में इसका एंड्रोसियम, तो एंड्रोसियम इसके अंदर 10 पाए जाते हैं, 10 एंड्रोसियम होते हैं। लेकिन होता क्या है, एक एंड्रोसियम अलग, एक एंड्रोसियम कैसा पाया जाता है, फ्री, एक सबसे अलग रहता है, एक एंड्रोसियम सबसे अलग है, और बाकी के जो नो एंड्रोसियम रहते हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। बाकी के नो एंड्रोसियम कैसे होते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं, और एक जो एंड्रोसियम रहता है वो फ्री रहता है, मुक्त होता है। डाइएडेल्फस, डाइएडेल्फस का मतलब क्या होता है, एक स्टेमिनल ट्यूब होती है, एक स्टेमिनल ट्यूब, और उसके दोनों साइड में ये एंड्रोसियम जुड़े हुए पाए जाते हैं। स्टेमिनल ट्यूब के दोनों साइड में एंड्रोसियम जुड़े हुए रहते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइएडेल्फस बोलते हैं। डाइथिकस होते हैं। डाइथिकस होने का मतलब क्या होता है, इनकी जो लोब होती है इस प्रकार से होते हैं, ये इस प्रकार से, तो दो इसके अंदर लोब या पालियां पाई जाती है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डाइथिकस बोलते हैं। इसके अंदर दो लोब पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइथिकस। बेसिफिस्ट होते हैं। बेसिफिस्ट होने का मतलब क्या होता है, ये जो फिलामेंट होता है, जो फिलामेंट होता है वो इसके आधार से जुड़ा हुआ रहता है, आधार वाले भाग से, बेस वाले भाग से जुड़ा हुआ रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बेसिफिक्स्ड बोलते हैं। उसके बाद में आता है गाइनोसियम। तो गाइनोसियम इसके अंदर मोनोकार्पिलरी होता है। मोनोकार्पिलरी होने का मतलब एक ही कार्पल इसके अंदर पाया जाता है, एक ही कार्पल इसके अंदर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिलरी। ओवरी इसके अंदर कैसी होती है, सुपीरियर, सुपीरियर ओवरी होती है। क्योंकि फ्लोर के, फ्लोर जब हम पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि इसके अंदर थैलस कैसा होता है, हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस, थैलस के ऊपर ओवरी पाई जाती है, थैलेमस के ऊपर ओवरी प्रेजेंट होती है, तो हम उसे क्या बोल रहे थे, हाइपोगाइनस। उस टाइम ओवरी क्या हो जाती है, सुपीरियर। हाइपोगाइनस जब थैलेमस होता है तो ओवरी हमेशा सुपीरियर होती है, ठीक है। यूनिलोक्यूलर, यूनिलोक्यूलर, यूनिलोक्यूलर का मतलब एक ही चेम्बर पाया जाता है। ओवेरी के अंदर क्या पाया जाता है, यहाँ पे हमने एक ओवेरी का टीएस बनाया, तो ओवेरी के अंदर ये एक ही चेम्बर होता है, एक ही चेम्बर पूरा ये होता है जिसे हम लोक्यूल बोलते हैं। तो ओवेरी कैसी हो जाती है, यूनिलोक्यूलर। टर्मिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। ये जो प्लेसेंटा होता है ये कहां जुड़ा हुआ रहता है, टर्मिनल वाले भाग पे। तो इसके अंदर प्लेसेंटेशन कैसा होता है, टर्मिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। फ्रूट इसका लेग्यूम, लेग्यूम इसका फ्रूट होता है, फ्रूट लेग्यूम। तो इस प्रकार से इसके अंदर कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं इसका फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम। अब हम देखते हैं इसका फ्लोरल फॉर्मूला, पाइसम सेटाइवम का फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम। तो सबसे पहले फ्लोरल डायग्राम देखते हैं। तो यहां हमने क्या बनाया है, कैलेक्स। कैलेक्स का एस्टिवेशन कैसा होता है, वेलवेट एस्टिवेशन।
चारों तरफ के जो इसके जो कोने रहते हैं वो थोड़े थोड़े टच करते रहते हैं। इसका एस्टिवेशन कैसा मिलेगा? वेलवेट एस्टिवेशन के अंदर मिलता है। उसके बाद में कोरोला, पांच कोरोला जो रहता है वो तीन भागों में हमने डिवाइड पढ़ा था। एक तो कील होता है, एक विंग और एलई होते हैं, और एक क्या होता है स्टैंडर्ड या वैक्सिलम होता है। तो यहाँ पे जो वैक्सिलम जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो यहाँ हमने इसे क्या बनाया, थोड़ा बड़ा बनाया। बाकी इसके अंदर तीन इसके अंदर क्या रहते हैं, एक इसके अंदर कील होता है, बाकी तीन इसके अंदर क्या रहते हैं, विंग और वो विंग होता है, एलई होता है, विंग एलई, बाकी दो विंग एलई और एक इसके अंदर क्या पाया जाता है, कील। तो इसका एस्टिवेशन कैसे होता है, वैक्सिलरी, वैक्सिलरी एस्टिवेशन के अंदर ये मिलता है। तीन तो जो रहते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं, एक इसके अंदर थोड़ा अंदर रहता है, एक थोड़ा बाहर होता है, और एक पूरा क्या होता है, कंप्लीट बाहर पाया जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, वैक्सिलरी बोलते हैं। बीच में हमने बनाया है गाइनोशियम, गाइनोशियम ओवरी बनाई है, टीएस ओवेरी, ठीक है। बीच में जैसे हमने ओवरी का टीएस बनाया था वैसे का वैसा यहाँ पे हमने गाइनोशियम बनाया है। एंडोशियम कितने होते हैं, 10 होते हैं, 1+9 के फॉर्म के अंदर होते हैं। एक जो रहता है वो फ्री रहता है, तो यहाँ पे हमने एक क्या बनाया, फ्री बनाया। बाकी के 9 जो रहते हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तो उनको हमने क्या कर दिया, जोड़कर बनाया, ठीक है, उनको आपस में थोड़ा थोड़ा जोड़ दिया। तो ये तो क्या बना, ये इसका क्या है, ब्रैक्ट, ब्रैक्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो यहाँ हमने क्या बना दिया, ब्रैक्ट बना दिया। तो ये इसका फ्लोरल डायग्राम है। इसका फ्लोरल फॉर्मूला जब हम लिखेंगे तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले ब्रैक्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो बीआर लिख देते हैं, ब्रैक्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ब्रैक्ट का, ब्रैक्ट प्रेजेंट होने का मतलब क्या होता है, फ्लोर कैसा हो जाता है, ब्रैक्टिएट होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, बीआर। फ्लोर कैसा होता है, जाइगोमोर्फिक, तो यहाँ पे हमने जाइगोमोर्फिक का साइन लगा दिया। और क्या होता है, फ्लोर कंप्लीट और बाइसेक्सुअल होता है, तो यहाँ पे हम बना देते हैं फ्लोर कंप्लीट और बाइसेक्सुअल। ये फ्लोर कंप्लीट और बाइसेक्सुअल का साइन है। उसके बाद में हम लिखते हैं इसमें कैलेक्स, कैलेक्स इसके अंदर पांच होते हैं, कोरोला, कोरोला इसके अंदर पांच होते हैं, लेकिन 1+2+2 के फॉर्म में। कैलेक्स का एस्टिवेशन कैसा होता है, वेलवेट, तो यहाँ पे हमने इसका एस्टिवेशन लगा दिया, ब्रैक लगा दिया। इसका मतलब ये किस एस्टिवेशन के अंदर है, वेलवेट एस्टिवेशन के अंदर। कोरोला 1+2+2 के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे हमने कोरोला लिख दिया। कोरोला के बाद में एंड्रोशियम, एंड्रोशियम 1+9, तो एक जो रहता है वो फ्री रहता है, या 9+1 लिख दो चाहिए, 9+1, तो जो 9 रहते हैं वो इस तरह से जुड़े हुए वेलवेट एस्टिवेशन के अंदर रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। और एक कैसा होता है, फ्री होता है, एक है फ्री। फिर लिखते हैं गाइनोशियम, तो गाइनोशियम में दो, सॉरी बाइकार्पिलरी, सॉरी मोनोकार्पिलरी होता है, तो यहां आपने एक लगा दिया। ओवेरी कैसी होती है, सुपीरियर, सुपीरियर ओवेरी के लिए नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। तो ये हो गया इसका फ्लोरल फॉर्मूला। ब्रैक्ट होता है, ब्रैक्टिएट बोलेंगे, जाइगोमोर्फिक होता है, फ्लोर कंप्लीट और बाइसेक्सुअल, कैलेक्स पांच होते हैं, वेलवेट एस्टिवेशन में होता है, कोरोला 1+2+2 के फॉर्म में होता है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है। एंड्रोशियम 10 होते हैं, 9+1 के फॉर्म में, गाइनोशियम एक मोनोकार्पिलरी होता है, तो यहाँ पे हमने एक लगाया है। और ओवेरी कैसी होती है, सुपीरियर, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसका हो गया। यहाँ पे आपका जो बाइसन सेटाइवम या जो सब फैमिली पेपिलियोनेटी थी वो कंप्लीट हो जाती है। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।